हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वैकेंसी के बारे में। इसमें आपकी अकाउंटेंट ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट की वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे प्रीवियसली आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका, नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है, डिटेल से उसमें पूरी जानकारी है। इस वीडियो में बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, तो आप किस तरीके से इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं क्या आप, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सारी कंप्लीट जानकारी के लिए आपके नोटिफिकेशन की तो आप प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं। इस वीडियो हम सिर्फ बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। लर्निंग टाइम में आज हम बात करेंगे NIR DPR की वैकेंसी के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसमें आपकी आपके जो वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव प्रोग्रामर और अन्य पोस्ट की वैकेंसी निकली है, इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, सारी डिटेल नोटिफिकेशन की वो आपको मैं बता दूंगा। और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड, डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मैं आप लोगों के लिए डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी वीडियो अब लेकर आता रहता हूं। तो फ्रेंड, यह वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हेल्पफुल है या पसंद आया है वीडियो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखिए, इसकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट आपका एसोसिएट की वैकेंसी है, ट्रेनिंग आपका प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मैनेजर की, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डॉक्टरेट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको आयु दे रखी 35 से लेके 55, 30 से 90 ये आपको दे रखा है। एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको दे रखा है। क्लोजिंग डेट 22/6 सबकी 2021 है। यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली रजिस्टर एंड अप्लाई पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। तो सारी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो जिससे कि आप इजीली देख सकें। अब बात करते हैं फ्रेंड, जो हमारी वैकेंसी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट आपका पंचायती राज की वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आपका एडवर्टाइज नंबर देखने मिल जाएगा, तो इसकी यहाँ पे देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज इज प्राइमरी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल रेप्यूटेड टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च रियलम रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट, ठीक है। द इंस्टीट्यूट पर्पज टू इंगेज सर्विस ऑफ सुटेबल कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट वेरियस प्रोजेक्ट रहेंगे, डिटेल ऑफ रिगार्डिंग आपको क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज आदि आपको दे रखा है। यहाँ पे CRI आप देख सकते हैं, रर्मन रूरल को देख सकते हैं, नेम ऑफ प्रोजेक्ट एंड सेंटर कोऑर्डिनेटर, पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन, एज, ड्यूरेशन कितने साल का है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे आपको देखा है, ठीक है। CRI आपका आर अर्बन मिशन डॉक्टर रमेश, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट वन पोजीशन है, 45 वन ईयर, 1,00,000 से 1,25,000, पोस्ट ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम नेशनल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप किसके देख सकते हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे आ रहा है EC मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लानिंग मैनेजिंग इंप्लीमेंटिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन रूरल पेरी आपका अर्बन एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हैं, इसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन आपको देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट IEC और डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट वन वैकेंसी, 41 ईयर आपका ड्यूरेशन, 40 से 50, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन आपका जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन फॉर आपका नेशनल आपका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में, एसोसिएट स्टडिंग मैनेजर की 4 आपकी वैकेंसियाँ हैं, 40 वन ईयर, 45 से 60 हज़ार, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट आपका मैनेजमेंट GIS। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं, इनकी पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोग्राम मैनेजर की 40 वन ईयर आपका सैलरी और आपका एक्सपीरियंस की सारी डिटेल यहाँ पे आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा अपनी जो वैकेंसी है उसके अनुसार, यहाँ पे आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर कैरियर पर आप जाएंगे वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो 14/20 तक आपका सिर्फ यही है, ठीक है। जनरल कंडीशन दे रखी है, आपका कैंडिडेट कैन अप्लाई एनी नंबर ऑफ पोस्ट, आवर सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी डन बेस्ड ऑन असाइनमेंट रिटन टेस्ट इंटरव्यू और पोस्ट अप्रोप्रिएट इररेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं, इनके बारे में आपको दे रखा है तो आप पढ़ सकते हैं उसकी जानकारी, 22/6/2021 की लास्ट डेट है आवेदन करने की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा और इसके हम चलते हैं वेबसाइट पर। आप देखिए, किसी भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 19 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई हैं। तो यहाँ पे एज आपको देख सकते हैं,
और यहाँ पे आपको देख सकते हो मैं किसी यहाँ पे एक रिसर्च एसोसिएट आपको P05 आप प्रोजेक्ट पे आपको मैं क्लिक कर रहा हूँ रजिस्टर अप्लाई के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी किस तरीके से अप्लाई करना है। डिजिटल कॉपी होनी चाहिए पासपोर्ट आपका, फोटोग्राफ सिग्नेचर की, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है, और 10 KB आपका लेस देन साइज रखा गया है। यहाँ पे सिग्नेचर का 20 KB से लेकर 5 KB तक आपका साइज रखा गया। डिजिटल कॉपी और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट 1 MB की होनी चाहिए, ई सर्टिफिकेट ठीक है 1 MB रखा है। ऑल मार्कशीट आपका देख सकते हैं आपको जो रेड कलर से एस्ट्रिक में होगा मैंडेटरी होंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए मेरी जो पोस्ट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट होगी जिसके लिए मैं अप्लाई कर, नेम आप एक्स सर्विसन यस या नो कर, फिजिकली डिसेबल्ड है माइनॉरिटी में आती है यस या नो कर, कैटेगरी आप बता सकते हैं आप जो कैटेगरी से है, BOB यहाँ पे आपको बतानी है, ईमेल यहाँ पे आपको बताना है, कन्फर्म ईमेल आईडी, इंटर मोबाइल नंबर और आप कन्फर्म मोबाइल नंबर, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे आपको बताना है ठीक है, ये सब आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे आप क्लिक कर देंगे, इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए ये आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो जाता है ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको जो पासवर्ड रखना है एक कैपिटल में रखिए, एक स्मॉल में, एक न्यूमेरिक 1 2 3 कोई भी आप न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं 10 तक में ठीक है। यहाँ पर आपको एक आपका स्पेशल करेक्टर जैसे @%, जो भी आप लेना चाहें उसको कॉम्बिनेशन से आप यहाँ पे पासवर्ड बनाए ठीक है। रजिस्टर पर आप क्लिक करते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है आपका, देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे आपको पासवर्ड भी डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे इस पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर दें, यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया तो फ्रेंड यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर दें। कैंडिडेट लॉगिन में आपका इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको देना होगा ठीक है। तो फ्रेंड इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए फादर नेम आपका, डेट ऑफ आप इंटर प्लेस जहाँ पे आप रहता हूँ, जगह का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल नेशनलिटी यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको बताना है ठीक है, यहाँ पे आपका स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें जैसे कि मैंने अब तब्दील कर लिया। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी ये सिलेक्ट कर लें, पिन कोड यहाँ पे बताना है ठीक है, इंटर ये आपका एड्रेस के 1 2 3 लाइन में आपको पूरा कंप्लीट एड्रेस देना है ठीक। अगर ये दोनों तो फ्रेंड ये आपको दोनों एड्रेस सेम है, उस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपका अपना एड्रेस है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा ठीक है। इसी में डिटेल कॉपी हो जाएगी, अपलोड यहाँ पे फोटो करनी है, सिग्नेचर करनी है, यहाँ पे इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेरियंस डिटेल एडिशनल डॉक्यूमेंट रेफरेंस और एप्लीकेशन प्रीव्यू जो आप देख सकते हैं ठीक है। तो जैसे मैंने इस पर सेव पे किया प्रोसीड आपका आ जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा ठीक है। यहाँ पे आपको ये आपको इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है। आपको उसकी स्पेशल करेक्टर हैज डबल कोट, आप सिंगल कोट आपको इस तरीके से यूज करना है ठीक है। तो ये आ रहा है ड्यू फिलफिल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका SSC का आ रहा है, आपका नेम, आपका एग्जामिनेशन जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है आपको उसके बताना है ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम बताना है ठीक है। यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग, आपका क्लास, डिवीजन, ग्रेड यहाँ पे बताना है, परसेंटेज यहाँ पे बताना है, पोजीशन रैंक क्या थी वो अगर है तो बता सकते हैं ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑफर्ड है वो यहाँ पे बताना है, उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है ठीक है, एक से अधिक एक एक करके आपको ऐड करनी है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप बेसिक दे सकते हैं, मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे भरा है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपका अपलोड कर देंगे इसके बाद ऐड का सेक्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ऐड हो गया है ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपको 12th है यहाँ पे आपको ऐड करना होगा, इसी तरीके से नेम सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना होगा ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको फिर से आपका जब इमेज अपलोड करेंगे फिर इसके बाद ऐड का आएगा, एक एक करके यहाँ पे आप 12th का है ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपलोड कर सकते हैं ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाली है, देखिए मैंने ऐसे ही डाला है, यहाँ पे कोई मैंने ऐसी कोई जानकारी ऐसी भर दी है ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। तो यहाँ पे इसको सेव करें, जब तक सेव नहीं होगा जब तक कि आपका पूरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं होगा, तो अपनी पूरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपकी देख लीजिए एक बार नोटिफिकेशन में क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, उसके बाद ही यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है जितनी है तभी आप अप्लाई करें। प्रोसीड पे मैंने क्लिक कर दिया, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे बताया है। डू हैव वर्क एक्सपीरियंस यस या नो कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डिटेल बतानी है, आपको एक्सपीरियंस डिटेल स्टार्टिंग विद प्रेजेंट एम्प्लॉय से बताना है ठीक है, आपको उस तरीके से बताना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लिविंग, आपका डेस्टिनेशन क्या है, स्किल पे, बेसिक पे, ग्रोसरी, आपका ग्रोस पे क्या है, ग्रोस सैलरी सॉरी ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रीफ में इसकी वर्क के बारे में जानकर 500 करेक्टर उसका आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे अपलोड करेंगे फिर आपको ऐड पे क्लिक कर देना है ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए टाइप पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे आपको टाइप बताना है किस टाइप की आपकी कंपनी है, तो उसको यहाँ पे यूनिवर्सिटी है,
ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपने कब ज्वाइन किया था, ये बता सकते हैं लीविंग और डेस्टिनेशन क्या है, ये सब आपको यहाँ पे देना है। तो ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आपको ऐड कर लेना। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको दीजिए कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है। मैं सेव पे क्लिक करूंगा या प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक, यहाँ पे आपको दीजिए प्लीज अपलोड योर पर्सनल एसे एंड एनी अदर पॉइंट ऑफ मेंशन, प्लीज चेक ईच एवरी डॉक्यूमेंट यू हैव अपलोडेड टू मेक श्योर ये करेक्ट डॉक्यूमेंट इज। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करने हैं। ठीक है, जो जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी आपका एजुकेशन का है, तो वो यहाँ पे आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये आपके अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट रहेंगे। ठीक है, जो कि आपका कोई कोर्स है तो वो यहाँ पे आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। ठीक, और जैसे यहाँ पे आप उसके बारे में बताना पड़ेगा किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो उसके बता सकते हैं। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे मैं अपना आइडेंटिफिकेशन कोड भी डालता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है, मैं पॉसिट पे क्लिक कर दूँ। सर मैं यहाँ पे सर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अपने अनुसार ही भरना है। यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन, आपका रेफरी, आप इन्फॉर्मेशन को या शेयर करना चाहते हैं, नेम ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको उनके देने। ठीक है, दो जन कम से कम। ठीक है, यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन और उनका फर्स्ट रेफरेंस और सेकेंड रेफरेंस दो के नाम। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से प्रोसीड पे कर दें। यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, आपकी पूरी जानकारी, आपका जो फॉर्म भरा है उसके प्रीव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे नीचे आपको सबमिट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे करना है। ठीक है, यही सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है इस वेबसाइट पे NIRDPR में। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी थी, मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं NIRDPR में। तो ये वीडियो, तो फ्रेंड ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तो डेली गवर्नमेंट